मॉर्निंग फ्रेंड्स, वर्ष का से मैंने पढ़ा था आपको टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंपनी कॉलेज में पर्पस क्रिएट यूजमेंट किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया कि इसमें टाइम कितने भाग में बांटा गया है उनके अकॉर्डिंग वो पढ़े थे हम। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज एंड परफॉर्मेंस। अब कंप्यूटर को किस कंप्यूटर का टाइप भाग किस पर में जाते हैं तरीके से जानेंगे कि वो साइज और उसकी परफॉर्मेंस इसके बेसिस पर क्या है जब कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं उसको जाने इसके किस पे साइज और बेसिस के ऊपर साइज और परफॉर्मेंस के बेस हम क्या करेंगे कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड करेंगे। इसमें क्या है फर्स्ट इमीडिएट कंप्यूटर इसी में आता है हमारा साइज और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इमीडिएट कंप्यूटर। इमीडिएट कंप्यूटर्स होता क्या है इसका हम जानते हैं इमीडिएट कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी यूज विद द सर्किट ऑफ अप्लायंसेस सच एज टेलीविजन वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर बाइक लाइक्स। इमीडिएट कंप्यूटर्स क्या होता है ये इसलिए डिजाइन किया गया है जो एक सर्किट अप्लायंस के थ्रू जैसे कि टेलीविजन हो वॉशिंग मशीन है रेफ्रिजरेटर है इनमें यूज किया जा सके। जैसे आप देखते हो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप एक बटन दबाए और आपका कपड़ा धुलने लगा या फिर आप टेलीविजन एक स्विच दबाए क्या होगा आपका टीवी स्टार्ट हो गया फिर एक स्विच दबाया चैनल बदल गया फिर दूसरा स्विच दबाए मतलब वॉल्यूम का ऊपर नीचे हो गया कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है ये ऑन करता है देखिए तो उसके अंदर जो कंप्यूटर्स फिट होते हैं ना फिट वो इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर्स में लगे होते हैं इमीडिएट कंप्यूटर्स लगे होते हैं ताकि वो अपना काम परफॉर्म कर सके है ना। तो इमीडिएट कंप्यूटर कहाँ लगे होते हैं टेलीविजन में है ना वॉशिंग मशीन में रेफ्रिजरेटर में इन सभी में भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं। तो क्या बोलते हैं इमीडिएट कंप्यूटर स्पेशली इन चीज़ों में लगाने के लिए इमीडिएट कंप्यूटर्स को बनाए ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं माइक्रो कंप्यूटर से तो हमें पढ़ लिया अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ये क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं सिंगल यूजर फॉर परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस लाइक एजुकेशन एक्टिविटीज प्लेइंग गेम्स दीज आर मेनली यूज्ड इन होम्स ऑफ स्कूल इट इज। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्यों बनाया गया माइक्रो कंप्यूटर जो है पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है ना एक यूजर के लिए सिंगल यूजर के लिए क्या है माइक्रो कंप्यूटर को बनाया गया है। इसमें क्या करते हो बेसिक ऑपरेशन में जो भी इसका मतलब बेसिक परफॉर्मेंस होता है ऑपरेशन होता है उसको करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स को बनाया जैसे कि आपका स्कूल में कोई रिपोर्ट बनाना है या फिर कुछ कैलकुलेशन करना है या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट तैयार करना है ना इन सब चीज़ों के लिए जो बेसिक ऑपरेशन है उनके लिए क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर्स को बनाया गया है ना। इसलिए कहाँ का यूज होता है एजुकेशन सर्विस में जैसे स्कूल वगैरह में कॉलेज में कंप्यूटर यूज होता है बहुत सारी कंप्यूटर यूज होते हैं कंप्यूटर के स्कूल वगैरह में आप रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए या फिर बिलिंग के लिए या फिर आपको बच्चे को सिखाने के लिए कंप्यूटर कैसे काम करें सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर यूज होते हैं है ना। बहुत फिर इसके बाद प्लेइंग गेम्स गेम्स खेलने के लिए आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हो। तो ये जो बेसिक ऑपरेशन है इनके लिए कौन किसको बनाया गया माइक्रो कंप्यूटर्स को बनाया गया है ना। ये मेनली कहाँ यूज होते हैं ऑफिस में घर पे शॉप्स पे स्कूल में इन सभी जगह माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं यूज होते हैं समझ में आया। माइक्रो कंप्यूटर्स कहाँ यूज होते हैं स्कूल में होम्स में है ना शॉप्स में इन सब जगह पे क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना। अब आगे माइक्रो कंप्यूटर को दो भाग में डिवाइड किया गया है जबकि माइक्रो कंप्यूटर को तीन भाग में डिवाइड किया गया है दो एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर दूसरा होता है मोबाइल कंप्यूटर है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है आप अच्छा देखिए जो डेस्क के ऊपर रख के डेस्क आप जानते हो जो भी आपका है डेस्क मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होता है एक्चुअली मोबाइल कंप्यूटर क्या है मोबाइल मतलब होता है
है कि इसको आसानी से हम कहीं ले जा सके। आप डेस्कटॉप को लेकर कहीं जा सकते हो? नहीं, बहुत परेशानी होगी आपको, वायर्स निकालने होंगे, वायर्स निकाल के बोले तो बड़ा भारी हो, सबसे ज़्यादा अगर सीपीयू करो ना, माउस कीबोर्ड से कैरी करो, यूपीएस कैरी करो, मॉनिटर कैरी करो, तो बहुत देर हो जाएगा कि उसको मोबाइल मतलब कि एक एक देश दूसरे को ले जाना आपके लिए बहुत टफ है। तो क्या हुआ, मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर मतलब क्या, जिसको आसानी से कहीं लेकर जा सके वैसा कंप्यूटर। तो मोबाइल कंप्यूटर से कौन आता है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, पीडीए है ना। लैपटॉप जो होता है आप देख रहे हो, जिसमें क्या होता है, उसी में एक आपको एक नोटबुक की तरह होता है, इस टाइप का लैपटॉप है, ये लैपटॉप है जिसमें ऑलरेडी इसका अपने आप मॉनिटर फिक्स्ड होता है, कीबोर्ड इसमें फिक्स्ड होता है, माउस भी यही फिक्स्ड होता है ना। जो भी सीपीयू में जो भी मशीन्स लगे होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो भी इस कंप्यूटर इस लैपटॉप में अंदर ही फिक्स्ड होता है। तो क्या इसको कहीं भी कैरी करना आसान होता है, इसलिए इसको मोबाइल कंप्यूटर के अंदर रखा गया है लैपटॉप को। ठीक है, देखो लैपटॉप द माइक्रो प्रोसेसर स्क्रीन एंड कीबोर्ड फ्रॉम अ सिंगल यूनिट इन लैपटॉप, द स्क्रीन इज ऑपरेट्स ऑन बैटरी है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इनका कीबोर्ड पतला होता है ना, जो भी प्रोसेस वगैरह लगे होते हैं वो भी इसी के अंदर फिक्स्ड होते हैं है ना। जो भी मशीन जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं सारे कंप्यूटर को इसी में क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है, कभी ले जाने ले आने में आसान होता है। और इसमें एक बैटरी भी लगी होती है, जब आपका पास लाइट नहीं है, उसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर कटी हुई है, तो इस बैटरी से इसमें चार्ज होता है, तो आप उस टाइम भी आप उसको लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। बैटरी नहीं, उसमें जो बैटरी लगा है वो आपको बैकअप देगा, जिससे आप यूज़ 2 घंटे 4 घंटे आप इसको बिना लाइट के भी यूज़ कर सकते हो है ना। उसके साथ हैं टैबलेट्स, जब मैं लैपटॉप पढ़ रहा हूँ उसके साथ हैं टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होते हैं, दे यूज टू डिफाइन दे कम विदाउट द कीबोर्ड एंड माउस। क्या होता है, एक स्क्रीन होता है जो माउस और कीबोर्ड के बिना आता है ना, ऑपरेट वायर का जो टच स्क्रीन की तरह टच करके, तो ये आपका टैबलेट है, ना तो माउस रहेगा ना तो कीबोर्ड रहेगा, आप इसमें जो भी चीज़ काम करना आप इस टच करके वहाँ पर जो भी काम उस पर टच करिए, वो फाइल ओपन हो जाएगा, उस पर लिखना है, जब भी कुछ टाइपिंग करना है अपने आप यहाँ पर कीबोर्ड अंदर से वर्चुअल कीबोर्ड आपको दिखाई देगा, वहाँ पर टाइप वगैरह कर दो, ऐसे फोन से चैटिंग करते हो तो वर्चुअल कीबोर्ड दिखाई देता है ना, उसमें आप टाइपिंग कर लेते हो। तो सेम मोबाइल की तरह स्मार्टफोन की तरह अगर यूज करते हैं बड़ा बढ़ जाता है ना। तो क्या होता है, आप उसके काफ़ी सोचते हैं कीबोर्ड और माउस भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा पोर्टेबल होता है टैबलेट है ना। यू कैन यूज़ अ फिंगर टू ओपन लाइक डिवाइस टू वर्क ऑन टैबलेट वर्क स्टेशन, ये सब चीज़ें फिंगर्स के यूज़ से आप काम कर सकते हो। ये रहा आपका टैबलेट। अब हम आते हैं स्मार्टफोन्स, नेक्स्ट इज स्मार्टफोन्स क्या होते हैं इनके बारे में है ना। देखिए दिस फोन्स आर वायरलेस अनलिमिटेड कनेक्टिविटी है। तो वायरलेस का मतलब क्या होता है, वायरलेस जानते हो तार, और लेस मतलब के बिना, मतलब वायरलेस किसी भी तार के बिना आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो है ना। इसलिए उसको स्मार्टफोन्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, हमें एक वायरलेस होते हैं, जैसे कि आपका बड़ा सा फोन है, फोन पर वायर्स लगे होते हैं, इसमें केबल्स लगे होते हैं, तब आप लोगों को देखकर बात कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई भी वायर नहीं लगा है, आप कहीं उसको कैरी कर सकते हो बिना कोई वायर के, आप नेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हो है ना। तो ये क्या होता है, वायरलेस होता है ना। दिस डेज स्मार्टफोन्स आर मेड विद लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स व्हिच मेक देम एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली एंड पॉपुलर। अभी क्या है, जो भी आपके स्मार्टफोन्स बन रहे हैं बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ बन रहे हैं, आप जो काम कंप्यूटर पे कर सकते हो मोस्टली काम आप जो है आप फोन पे भी कर सकते हो। सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना है, फोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या भी आपको कोई भी मतलब वेब एक्टिविटीज करनी है आप अपने फ़ोन पे कर सकते हो है ना। कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी तैयार करना है अपने फ़ोन पे तैयार कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं जिससे आप करते हैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूजफुल हो चुका है, बहुत सारे फीचर्स के साथ आ चुका है। ठीक है, आप इससे क्या हो गया, ये हमारा बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया हुआ है ना। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, काम करने में कुछ जिससे यूज़र को अपने डिवाइस से कनेक्ट करने में जो आसानी हो गई है उसको यूजर फ्रेंडली है ना। जिससे क्या यूजर जो है किसी भी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सके है ना। तो ये हमारा हुआ स्मार्टफोन। आते हैं पीडीए, पीडीए का होता है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ना। ये क्या होता है, पीडीए डिजाइन टू कैरी आउट डे टू डे टास्क रिलेटेड टू शेयरिंग और रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कनेक्शन डेस्कटॉप। ये क्या पीडीए क्या है, ये डिजाइन किया गया है बाहर ले जाने के लिए, डे बाई डे क्या करने के लिए, अपने टास्क रिलेटेड जो है उसको शेयरिंग और एक्सचेंज करने के लिए कनेक्शन डेस्कटॉप से कनेक्ट करके कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन के अकॉर्डिंग दे आर यूज्ड एज नोटपैड्स एंड एड्रेस बुक। ये किस पे यूज होता है,
तो से ट्रैक कर लेते हो आप इन्फॉर्मेशन को शेयर और एक्सेस को पाम का कंप्यूटर भी बोला जाता है और हैंडल कंप्यूटर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका हुआ PDA, दिस इज PDA, इट इज PDA। ठीक है, अब आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, उसका नाम आते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? दिस कंप्यूटर्स आर पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर। क्या माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है कौन? मिनी कंप्यूटर, जो क्या होता है प्रोसेसिंग पावर एंड इसमें माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड पावर एंड कैपेबिलिटीज, दे आर जनरली मल्टी यूजर सिस्टम। देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है प्रोसेसिंग में, जो भी चीज़ आप प्रोसेस करने के लिए तो फास्ट उसका प्रोसेस करता है ना, और इसका क्या है ये कैपेबिलिटी बहुत सारे काम आसानी से ये कर सकता है। कौन? मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर होता है, एक साथ कई सारे जो इस पर काम कर सकते हैं, है ना, ये हमारा हुआ मिनी कंप्यूटर्स। इसके अंदर आते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या होता है सुपर कंप्यूटर? से आपका सुपर कंप्यूटर है उसमें क्या है अपने हैं एक और इसमें आता है जिसको बोलते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो पहले मेनफ्रेम कंप्यूटर पढ़ते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। क्या होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर? क्या होता है कि एक बड़ा सा डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर का को बनाया गया है। दे आर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। क्या होता है ये मल्टी, एक साथ बहुत सारे आदमी मतलब एक से ज़्यादा आदमी काम उस पर कर सकते हैं और मल्टी प्रोसेसर एक साथ कई सारे प्रोसेस उस पर किया जा सकता है। एंड दिस आर वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम। से क्या होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? दिस आर डिजाइन टू बेस्ट फॉर डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशंस। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है मेनली बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने के लिए, बहुत सारा बड़ा कंप्यूटेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स को बनाए होते हैं। उस सभी में किसका जो होता है सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। दैट ऑल्सो मिनिमम पॉसिबल टाइम और बहुत कम टाइम ये प्रोसेस करता है, बहुत बड़ा प्रोसेस को, बहुत सारा बड़ा कैलकुलेशन को ये बहुत कम टाइम में सॉल्व कर देता है सुपर कंप्यूटर्स। ये आपको साइंटिफिक लैब्स वगैरह में या फिर आप देखो जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर मेन फिर वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ना। दे आर द फास्टेस्ट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिजिटल कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे। ये क्या होता है बहुत फास्ट, है ना, बड़ा और क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिजिटल कंप्यूटर है जो अभी उपलब्ध है। दे आर बेस्ट यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर साइंस, एरोडायनामिक क्वांटिटीज। ये क्या होता है वेदर फॉरकास्ट के लिए, जो मौसम का हाल पता करने के लिए, न्यूक्लियर साइंस के लिए, एरोडायनामिक क्वांटिटीज, इन सब चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। कल आप इस पर जो भी डाउट्स हो आप मेरे से आसानी से पूछ सकते हो, जो भी आप क्वेश्चन करो, है ना, मैं उसको जवाब दे दूंगा या टेक्स्ट करके पूछ लेना। अगर उसमें जवाब देना चाहता हूँ तो उस टाइम दे दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट उसको अच्छे से समझा कर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कल आपका क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा।